हेलो फ्रेंड, मैं हूं श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार नई रेसिपी लेकर आज हम बनाने वाले हैं मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ के लड्डू। एकदम इजी तरीके से बनाएंगे, झटपट से ये बन जाता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे बनाना उतना ही इजी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक ये लड्डू दिखा रही हूँ, इस तरह से मैं तोड़ के दिखाऊँगी। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, मैं इस तरह से कैमरे के पास में दिखा रही हूँ। तो ये आसानी से टूट भी जा रहा है, बहुत ही कड़क लड्डू नहीं है ये, इस तरह से और एकदम इजी वे में बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप भी फटाफट से ये संक्रांति में बना लीजिए इस तरह से लड्डू। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम ये तिल गुड़ के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आप देखिए, मैंने तिल ले लिए हैं, ये वाइट वाले तिल हैं, आप देख सकते हैं एकदम वाइट वाले तिल हैं। जब हम इससे लड्डू बनाएंगे तो मैं मेज़रमेंट सेम रखूँगी। इस तरह से मैंने एक कटोरी ये तिल लिए, तो सेम मेज़रमेंट से ये एक कटोरी हमने गुड़ लिए। तो ये जो हमारे गुड़ 300 ग्राम है और ये जो हम तिल भी यूज़ करें ये भी 300 ग्राम है। ये तिल मैं दोनों की क्वान्टिटी सेम रखी हूँ। और इस तरह से मैं एक चम्मच ये घी ली हूँ। अब हम गैस की तरफ चल रहे हैं। तो अभी गैस में हम ये कढ़ाई चढ़ा रहे हैं, इसको मैं गरम कर लेती हूँ। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो हमने तेल लिए हैं, इसको हम इस तरह से इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तेल को डाल के इस तरह से 1 मिनट तक उसको रोस्ट कर लेंगे। तो बस इस तरह से इसको हम ये अच्छे से इस तरह से रोस्ट करेंगे। तो हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, 1 से 2 मिनट में ये अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। तो हमें इस तरह से बराबर इसको चलाते हुए रोस्ट करेंगे, इसे हमें छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएंगे। इस तरह से तिल में बहुत जल्दी ये कड़वाहट आ जाती है, जल जाता है। तो बस इस तरह से इसको हम ये रोस्ट कर ले रहे हैं। तो ये आप देखिए, इस तरह से मैंने तिल को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब मैं गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ और इसको हम इस तरह से एक प्लेट में निकाल देंगे, ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो ये मैं कढ़ाई से तेल निकाल ली, उसी कढ़ाई में ये हम घी डालेंगे। तो बस इस तरह से थोड़ा सा ये घी डालेंगे हम ये। तो बस घी को भी गर्म कर ले रहे हैं। अब ये घी भी गर्म हो गया। अब मैं इसी में डाल दूँगी ये गुड़। इस तरह से गुड़ हम डाल दे रहे हैं और इसमें मैं 2 से 3 चम्मच इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। और इसी में इस तरह से 3 चम्मच जैसे बस ये पानी ऐड कर रहे हैं। अब हम गुड़ को इस तरह से धीरे धीरे इसको हम ये मेल्ट करेंगे। तो हमें गैस का फ्लेम को मीडियम फ्लेम में ही इसको धीरे धीरे पिघलाना है। इस तरह से मैं इस तरह से गुड़ को कट करके ली थी, तो ये कट करके लेंगे तो जल्दी से ये मेल्ट हो जाता है। तो मैं आपको दिखाऊँगी इसके लिए हमें कैसी चाशनी चाहिए रहेगी। तो बस इसको धीरे धीरे इस तरह से पिघलने देंगे। तब तक मैं आगे की भी आपको तैयारी दिखाती हूँ। हम इस तरह का एक ये प्लेट ले रहे हैं और ये जो घी है इस तरह से हम इसमें डालेंगे और इसको हम अच्छे से इस तरह से ग्रीस करेंगे। तो मैं इसको अच्छे से ग्रीस करूँगी। तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं इस तरह से ये पहले से थाली को ग्रीस क्यों कर रही हूँ। तो मैं आपको ये चीज़ बाद में दिखाने वाली हूँ। तो बस हम इस तरह से इसको ग्रीस कर लिए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये गुड़ भी धीरे धीरे इस तरह से मेल्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से इसमें झाग भी आ रहा है। तो अभी हमें इसे पकाना है, मैं आपको दिखाऊंगी इस तरह से। अभी इसको हम इसी तरह से ही अच्छे से पकने देंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से गुड़ कितना बढ़िया से ये पक रहा है। अब हम इस तरह से एक ये बोल में पानी लेंगे और कुछ इस तरह से ये ड्रॉप डालेंगे और मैं इसको चेक करूँगी। थोड़ा सा हम इसको सेट होने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब ये हम इसको चेक करते हैं। इस तरह से आप देखिए, मैं पानी में डाली हूँ। तो अभी ये बहुत ज़्यादा खिंचा खिंचा सा हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये अभी हमारा गुड़ हुआ नहीं है, तो मैं इसको और अच्छे से अभी पकने दूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से 2 मिनट और हो गया है। अब मैं वापस से फिर से इस तरह से पानी में डाल के इसको चेक करूँगी। इस तरह से हम डाल रहे हैं और हम चेक करते हैं। अब मैं इस तरह से ये चेक करती हूँ। तो ये इस तरह से आप देखिए हम निकाल लिए। और आप देखिए इस तरह से हमें बहुत ही कड़क नहीं रखना है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा इस तरह से खिंचा खिंचा लग रहा है। तो बस हमें इसी तरह की गुड़ की इस तरह से चाशनी रखनी है। अगर हम बिल्कुल जैसे हम चिक्की बनाते हैं उसके लिए कड़क रखते हैं ना, तो अगर हम ये कड़क रखेंगे तो बहुत कड़क लड्डू हो जाएंगे। तो मैं अब चलती उधर। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारी गुड़ की चाशनी इस तरह से तैयार हो गई है बन करके। मैं आपको दिखाई हूँ कि हमें किस तरह से रखना है लड्डू के लिए। अब मैं इसमें कुछ सीक्रेट चीज़ ऐड करूँगी। तो इस तरह से मैं ये 1/4 चम्मच से भी कम, या तो आप पिंच से कह लीजिए 3 पिंच, ये बेकिंग सोडा है। इससे क्या होगा, लड्डू हमारे कड़क नहीं होंगे। बस इस डाल के भी अच्छे से इस तरह से हम ये कुछ सेकंड तक इसको इस तरह से मिला ले रहे हैं। तो देखिए इससे कलर भी इसका कितना बढ़िया लाइट हो गया और ये अच्छे से इस तरह से फूल भी गए। और अब मैं इसमें डालूँगी जो हमने तिल को रोस्ट करके रखे थे ना, उसको हम ऐड करेंगे। इस तरह से ये हम इसमें डाल दे रहे हैं और डालने के बाद धीरे धीरे इसको अच्छे से इस तरह से ये मिक्स कर देते हैं हम ये पूरा इस तरह से। तो बस ये डाल के इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब मैं गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ। तो बस इस तरह से ऑफ़ कर दिए हैं और इसको हम अच्छे से पहले मिला ले रहे हैं। तो ये देखिए इसको हमने, आप देख सकते हैं हमने बढ़िया से इसको इस तरह से मिला लिए। ये अच्छे से गुड़ में मिक्स हो गए हैं। तो अभी आपको देखने से लग रहा होगा कि इसके लड्डू ये कैसे बनेंगे। इस तरह से आपको थोड़ा सा गीला लग रहा होगा, पर आपको अब एकदम परेशान नहीं होना है। मैंने जो थाली को ग्रीस करके रखे हैं ना, उसमें हम ये थोड़ा थोड़ा डालेंगे और थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो अभी ये इस स्टेज में तो लड्डू हमारे तैयार नहीं होंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जो हमने थाली ग्रीस करके रखे हैं ना, अब हम इसमें थोड़े थोड़े करके डालेंगे। तो बस अब हम इसमें इस तरह से डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। लड्डू आपको जिस भी शेप में बनाना है तो इस तरह से ये हम डालेंगे। तो मैं इस तरह से मीडियम साइज़ के लड्डू तैयार करूँगी। तो ये थोड़ा थोड़ा हम ये डाल लेंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। तो इसी तरह से मैं ये डाल ले रही हूँ, जितना इसमें जगह है इस तरह से थोड़े थोड़े करके हम ये डालते जाएंगे। तो ये देखिए ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं। अब हम इस तरह से हाथ में इसको लेंगे और इसके हम लड्डू तैयार करेंगे। तो बस अब शेप भी अच्छे आएंगे इस तरह से। अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने हाथ में दबा लिए, दोनों हाथों के बीच में रख के। आप देखिए कितने बढ़िया इस तरह से आप देख रहे हैं लड्डू हमारे तैयार हुए हैं। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से मैं ये बाकी का भी बना ले रही हूँ। तो ये देखिए ये हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए। आप देख सकते हैं मैं पास से दिखा रही, कितना बढ़िया लग रहा है ना, और खाने में उतना ही टेस्टी है। फ्रेंड्स मैं आपको एक लड्डू ये तोड़ के दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये लड्डू लिए हैं और ये तोड़ के दिखा रही हूँ। तो आप देखिए कितना बढ़िया से ये आप देख सकते हैं टूट भी रहे हैं और एकदम इजी तरीके से ये बन जाता है टेस्टी टेस्टी ये तिल गुड़ के लड्डू। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये लड्डू मकर संक्रांति स्पेशल है ये। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। एक बार मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। बाय बाय।